आगे बढ़ने से पहले मिरांदे यही गुजारिश करेंगे कि कोई ठुमरी हो जाए, क्योंकि फोक का जिक्र भी किया था हमने, और अजय पोहनकर जी या इकबाल जी, उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब से जो आपने सीखा है, उसमें से कोई चीज एक खास जो फोक से जुड़ी हुई हो, ठुमरी से जुड़ी हुई हो, या जो भी आपकी इच्छा करे। जी जरूर, मैं एक बहुत ब्यूटीफुल ठुमरी गाना चाहूंगी जो कि मैंने पंडित अजय पोहनकर जी से सीखी है, नैना मोरे तरस के। ठुमरी का जिक्र किया था मैंने, और आपने कौशिकी जी से भी संगीत की तालीम ली है। कौशिकी खुद एक बेहतरीन कलाकार हैं, उनके पिता मतलब पंडित अजय चक्रवर्ती पटियाला घराने के दिग्गज कलाकारों में हैं, विश्वविख्यात कलाकारों में हैं। कौशिकी जी से जुड़ना संगीत को किस तरह से नए सिरे से परिभाषित करता है, क्योंकि वो तमाम तरह के खालिस गायकी जो है, शुद्ध गायकी जो है, परंपरागत गायकी जो है, उसके अलावा वो तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी करती हैं। आपने उनसे क्या कुछ नया, क्या कुछ अलग सीखा है? जी बिल्कुल, कौशिकी जी से पहले तो जुड़ना ही ये बहुत बड़ी बात है। मेरा सौभाग्य था कि वो, हालांकि ज़्यादातर सिखाती नहीं है बहुत लोगों को, बट मुझे ये मौका मिला और उन्होंने मुझे समय दिया। मैं बकायदा कलकत्ता जाके परंपरागत उनसे तालीम ली हूँ, और मैंने सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक नहीं सीखा है उनसे, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें ज़िंदगी को जीने के बारे में भी सीखी है। हाउ म्यूज़िक इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ये सीखा है मैंने उनसे। और जब एक गुरु आपको अपने घर में शरण दे और आपको उनके रहन सहन को देखने का मौका मिले, तो ये बहुत यू नो एक बड़ी ब्लेसिंग है। सो आई लर्नड नॉट जस्ट म्यूजिक फ्रॉम हर, बट म्यूजिक एज अ वे ऑफ लाइफ। एंड उन एज यू राइटली सेड कि वो सिर्फ
प्योर क्लासिकल म्यूजिक ही नहीं बल्कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक भी करती है। और इसी दौरान जब मैं उनसे सीख रही थी कलकत्ते में, एक बहुत ही अनोखा और यू नो इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट उन्होंने किया था विच इज कॉल्ड रागाज एंड ब्लॉसम्स। तो उस दौरान मैं उनके साथ थी, उनके मतलब यू नो पूरे स्केड्यूल में आई वॉज विथ हर लर्निंग एंड हेल्पिंग एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक मैंने बहुत कुछ सीखा, नॉट जस्ट अबाउट म्यूजिक एज हाउ टू एक्सपेरिमेंट विथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, बट ऑल्सो ऐसे बड़े प्रोग्राम्स और इवेंट्स को कैसे डिजाइन करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कितनी कितनी चीजें इनके पीछे लगती हैं, हाउ मच एफर्ट यू नीड यू नो इन ऑर्डर टू मेक दिस हैपन, सच अ इवेंट एंड सच अ यू नो कोलैबोरेशन एक्सपेरिमेंट हैपन। सो आई थिंक ये पूरा जो प्रोसेस था मेरा उनके साथ रह के जो मैंने ये सीखा बहुत ही इनरिचिंग था, बहुत सिखाया उसने उस चीज ने मुझे, उस प्रोसेस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और इसके साथ साथ जब मैं उनके पास सीख रही थी कलकत्ते में, तो उनके एल्बम की भी तैयारी चल रही थी, कारवां जो उनका एल्बम आया था जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानी म्यूजिक के अलग अलग प्रकार को एक बहुत यू नो न्यू एज साउंडस्केप देके तैयार किया था। तो वो एक जो प्रोसेस था इन टर्म्स ऑफ हाउ टू अगेन डिजाइन दीज थिंग्स, कि जहाँ पे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का एसेंस ना चला जाए और आप उसको नए जनरेशन तक भी पहुँचा सके। तो ये जो एक डिजाइनिंग है ऑफ म्यूजिक वेयर ट्रेडिशंस आर नॉट यू नो डिस्टर्ब्ड एंड येट द न्यूअर ऑडियंस कैन एन्जॉय इट, ये मैंने उनसे बहुत अच्छे से सीखा और ऑब्जर्व किया। मेरांदे कोई कुछ गजलों का गुलदस्ता हो जाए, कुछ आपके जो पसंदीदा गजल गायक हों उनकी गजलों की कुछ लाइनें अगर आप हमें सुनाएं तो। मैं अपनी कुछ पसंदीदा गजलें आपको सुनाना चाहूंगी। मैं मेघी सिंह खा साहब को, गुलाम लेखा साहब को, बेगम अख्तर जी को, जगजीत जी को, हरिहरन जी को बहुत सुनती हूँ, तो उन्हीं की कुछ गजलें आगे प्रेजेंट करूँ। निवाह का तुम्हें
नयाद हो जो बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी बात करनी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।